हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रोड ट्रिप पे जा रहे हैं टू भोपाल। जैसे कि सारे जबलपुरियाज जाते हैं, भोपाल बेस्ट प्लेस है घूमने की। मुझे ड्राइविंग करना बहुत पसंद है गाइस। अगर मैं एडुकेटेड नहीं होती तो शायद आज मैं एक टैक्सी ड्राइवर होती। यहाँ मैंने सलमान खान का मजाक उड़ाने की कोशिश की है बाय मिमिकिंग हिम, पर मिमिकिंग हिज डांस स्टेप्स। पर यहाँ मेरा खुद का मजाक उड़ गया है, हंसी का पात्र बन गई हूँ गाइस। दिस इज़ भोपाल, वी आर एंटरिंग भोपाल। भोपाल में अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था इसलिए रिकॉर्ड कर लिया। सो आई एम 100% एक्साइटेड क्योंकि आज हम NLIU एंटर कर रहे हैं, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल। नाउ दिस इज़ वॉट आई कॉल 100% एक्साइटमेंट। मेरे कान गर्म हो गए थे एकदम लाल। ये एंट्रेंस है NLIU की और सामने आपको दिखेगी द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट NLIU is famous for and that is its glowing library. तो ये देख के काफ़ी खुशी होती है। ये है आपका जगमगाता हुआ अमूल पार्लर और यहीं इसी के साथ हम एंटर कर जाते हैं कैंटीन में। यहाँ पे आप मोस्टली हैंग आउट करते हुए मिलेंगे। यहाँ के चीज़ पफ्स बहुत फेमस हैं अकॉर्डिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स। द इंफ्रा इज एवरेज बट द फूड इज वेरी गुड। दिस इज़ द पेवमेंट और ये रास्ता है जो हमें लेके जाता है भागीरथी हॉस्टल। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द गर्ल्स हॉस्टल। काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बेस्ड है ये हॉस्टल एंड आगे आप देखेंगे। दिस इज़ पद्मा, लुक हाउ प्रिटी शी इज़ एंड शी इज़ गोइंग टू बी गाइडिंग मी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ दिस हॉस्टल। सो आई एंड पद्मा वर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द क्लीन बाथरूम्स ऑफ द गर्ल्स हॉस्टल। आई कांट से कि सारे ही वॉशरूम्स बहुत ही साफ हैं, बट या दिस वन वॉज क्लीन नाइस सो वर्क्स। यहाँ मेस स्टार्ट होता है जहाँ पे आपका स्वागत करने के लिए वॉश बेसिन्स हैं एंड देन आप मेस के अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी थाली एंड फूड कलेक्ट करते हो और इन डाइनिंग टेबल्स पे बैठ के खाते हो लाइक ऑल मेसेस। यहाँ का खाना खाने लायक है। दिस इज़ अ कॉरिडोर, काफ़ी हवादार था, काफ़ी मज़ेदार था, यहाँ से सब कुछ दिखता है। दिस इज़ द पेवमेंट जहाँ से हम उस ब्लॉक में जा रहे हैं जहाँ पे फूड फेस्ट चल रहा था। हम एक्चुअली इस फूड फेस्ट को अटेंड करने ही आए थे। ये ऑडिटोरियम है एंड दिस इज़ द अकेडमिक ब्लॉक। इन दोनों के बीच में ही फूड फेस्ट का आनंद उठा रहे हैं हम लोग एंड द फूड वॉज रियली नाइस बट इट वॉज़ ऑल फिंगर फूड। बहुत ज़्यादा पेट नहीं भर पाया लेकिन फिर भी आप देखेंगे मुझे खाना इन्जॉय करते हुए। आई लव फूड गाइज। ये जगमगाती सी खूबसूरत सी जगह आपकी लाइब्रेरी का एंट्रेंस है। ये एक पाथवे है जिससे आपकी लाइब्रेरी के एंट्रेंस तक आप पहुंचते हो। इट इज़ वेल लिट, आगे आपको दिखेगा। ये जो एरिया है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग एंड स्टडीइंग। इफ़ मतलब खुली हवा में पढ़ने का मन है या मूड कोर्ट की प्रैक्टिस चल रही हो, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। ऑब्वियसली लाइब्रेरी के अंदर भी उत्तम व्यवस्था है पढ़ाई लिखाई करने की। रात को मोस्टली सबको पढ़ाई सूझती है, स्पेशली एक रात पहले एग्ज़ाम्स के। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे आपको आपका स्टडी मटेरियल बहुत आसानी से रिसोर्स हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट जो भी NLIU पहुँचने वाला है उनके लिए, बहुत अच्छा वातावरण है पढ़ाई करने के लिए। लाइब्रेरी का एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी होमली सा वाइब था एंड दिस वाज अ गुड प्लेस टू टेक फोटोज़ एंड वीडियोस, तो मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एग्ज़िट। तो ये गर्ल्स हॉस्टल का एक लास्ट स्नैप ले लिया मैंने क्योंकि काफ़ी गाइज लाइब्रेरी हमें दूर से ऐसी दिखती है और लाइब्रेरी को हम दूर से ऐसे दिखते हैं। मूविंग ऑन, अब हम घर जा रहे हैं दिल पे पत्थर रख के, लेकिन कल सुबह वापस आएंगे आपको सुबह का व्यू दिखाने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड एंड कम बैक। ये बेसिक हाईवे है गाइज़,
काफ़ी क्लोज है आपके कॉलेज से, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट फाइंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. रोड्स भोपाल की बहुत अच्छी हैं. दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एरियाज़ आई थिंक. यहाँ से ताज होटल भी दिखता है. एंड दिस वाज माय लग्जरियस स्टे एट लेकवुड रिजॉर्ट एंड इट इज़ हेवनली. इट्स ब्यूटिफुल गाइज, इट्स ब्यूटिफुल. लाइक जाना चाहिए, इट इज़ वर्थ अ विजिट. दिस इज़ द रेस्टोरेंट, कैन यू इमेजिन, इट्स एन ओपन रेस्टोरेंट और समर्स है एंड इट वॉजेंट इवन फीलिंग हॉट एट ऑल. लाइक पेड़ों की वजह से इतना ज़्यादा ठंडा वातावरण था कि मज़ा आ रही थी. जस्ट लुक एट मी सिटिंग इंजॉइंग द व्यू एंड रिलैक्सिंग. लाइक इट्स सो, मतलब इट्स वर्थ मेडिटेटिंग. देयर इज अ लेक व्यू, ब्यूटिफुल, आई कांट इवन एक्सप्लेन. गाइज यहाँ पे मुझे झरना दिख गया तो मेरा मन किया कि मैं उसको क्रॉस करके खुद से जाऊँ, क्योंकि आई एम अ क्यूरियस कैट और मेरी क्यूरियोसिटी मुझे कभी ना कभी ख़त्म कर देगी. बट दिस प्लेस वॉज अनरियल. गाइज जब आप एंटर करते हो तो ये ब्यूटीफुल सी जगह मिलती है, काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा लगता है. एंड आई वुड रेट दिस प्लेस 4 out of 5 ओनली बिकॉज यहाँ का खाना बहुत अच्छा नहीं था एंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन इट्स वर्थ अ विजिट. गाइज इट्स टाइम टू अप्रिशिएट माई ब्यूटी एंड रिमेंबर आई डोंट लाइक पिंक, पिंक लाइक्स मी. गाइज ये एक्सटीरियर है NLIU का एंड इतनी ज़्यादा ग्रीनरी होने की वजह से बहुत ज़्यादा बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही है. हम वापस से एंटर कर रहे हैं NLIU के अंदर एंड लेट्स सी अब दिन के समय आपको क्या मिलता है देखने. गाइज आई एम वेरी गुड विथ माई कैमरा वर्क एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट. लाइक दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स एंड मैं मतलब ये लेना चाहती थी. द मोमेंट आई थॉट दैट आई वुड मेक अ व्लॉग फॉर NLIU, ये मेरा फर्स्ट थॉट था कि मैं इस तरीके से एक शॉट लूँगी. सो शेफ्स किस एंड दिस इज़ हाउ द पेवमेंट स्टार्ट्स. ये मंदिर है जहाँ से NLIU की स्टार्टिंग होती है. ग्रीनरी से भरा हुआ है पूरा कैंपस एंड दिस इज़ मी. मैं अपनी खिड़की खोल के सो गई थी तो मुझे सर्दी ज़ुकाम हो गया है. एनीवेज गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैंने बताया ही कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो हम बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रहे थे. तो हमने सोचा कि हम कार से एक राउंड लगाते हैं गोल चक्कर पूरी यूनिवर्सिटी का. सो इट स्टार्ट्स हियर. गाइस मोस्टली इस टाइम पे क्लासेस चल रही होती हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको घूमते फिरते नहीं मिलेंगे. 2 PM तक मोस्टली क्लासेस एंड एक्स्ट्रा क्लासेस चलते रहते हैं. बट आफ्टर दैट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रोमिंग अराउंड हैविंग फन. दीज आर द व्हीकल्स ऑफ फैकल्टी मेंबर्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर्स आई थिंक एंड इवन स्टूडेंट्स. यहाँ हमें 2 रास्ते मिले लेकिन हमने सीधा रास्ता चुना और हम आगे बढ़ गए. लेफ़्ट साइड में आपको कुछ फैकल्टीज़ के घर मिलेंगे, वहीं राइट साइड में अभी आपको मिलेगा लाइब्रेरी की बिल्डिंग का डे व्यू. सो आर्किटेक्चरल वे में अगर देखा जाए तो इस बिल्डिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है. धूप में भी बच्चा बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकता है आराम से एंड इट फील्स लाइक होम. द एनवायरनमेंट वाज वेरी वेरी कैची, काफ़ी अच्छा वाइब था. पिकनिक स्पॉट जैसा ज़रूर लगता है लेकिन वहाँ जाके काफ़ी होमली फीलिंग आती है. आई नो ऐसा बहुत सारे बच्चों के लिए नहीं होगा बट मुझे ऐसा फील हुआ. ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, मोस्टली सारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ यहाँ बैठ के काम करता है एंड दिस वाज द बॉयज़ हॉस्टल एंड वी आर बैक टू स्क्वायर 1. आपको दिख ही रहा होगा जो पूरा
कैंटीन एरिया था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कल रात को, वहाँ हम वापस आ गए हैं. एंड दिस इज़ हाउ वी जस्ट बिड आर बाइज टू NLIU कैंपस. एंड NLIU कैंपस टूर पार्ट टू आने वाला है, एंड NLUD का भी हम कैंपस टूर लाने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.